हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6B से, ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 24 से। इसके पहले दो वीडियोस में फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 15 से 23 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म का, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, इस तरह एक बार लिख लेंगे। नेक्स्ट है माइनस फाइव एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म से ही, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। नेक्स्ट है प्लस एट का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये तीन टर्म्स हमें मिल गए। नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें मिलेंगे माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस माइनस, प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस एट टू जै सिक्सटीन एक्स माइनस एट थ्री जै ट्वेंटी फोर। ये हो जाएगा फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हमने कर लिया। नेक्स्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वो हम परफॉर्म करेंगे इस स्टेप में। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स की पावर फोर सिंगल टर्म है इसलिए एज इट इज़ रहेगा। नाउ एक्स की पावर थ्री दो टर्म्स हैं, प्लस टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स क्यूब, मीन्स माइनस का थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाले फ्रेंड्स वन टू एंड थ्री थ्री टर्म्स हैं, माइनस थ्री माइनस टेन माइनस थर्टीन प्लस एट मीन्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फ्रेंड्स इनको इस जो सेम टर्म्स हैं हम उनको एक साथ एक बार लिख भी सकते हैं या तो डायरेक्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं फ्रेंड्स। अगर हम लिख लेंगे तो हमें थोड़ा सहूलियत हो जाएगी क्वेश्चन को और सॉल्व करने में। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्स वाले टर्म्स, एक्स वाले भी यहाँ पर दो टर्म्स हैं, प्लस फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन मीन्स प्लस थर्टी वन एक्स एंड ट्वेंटी फोर सिंगल टर्म है इसलिए एज इट इज़ रहेगा माइनस ट्वेंटी फोर। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन इंटू करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स इसको हम जैसे कि बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं उस मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बुक में जैसा एग्जांपल दिया हुआ है उस तरह से फ्रेंड्स उसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन इससे हमें मल्टीप्लाई करना है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर से। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थ्री एक्स स्क्वायर से इस पूरे टर्म को करेंगे, मीन्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा थ्री टू जै सिक्स एक्स की पावर फोर, इससे करेंगे आएगा प्लस थ्री थ्री जो नाइन एक्स क्यूब, इससे करेंगे आ जाएगा माइनस सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे हम साइड में लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बाय थ्री एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट माइनस फाइव एक्स का इस पूरे टर्म से करेंगे सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस फाइव टू जो टेन एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सेवन फाइव जो थर्टी फाइव एक्स। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है बाय माइनस फाइव एक्स से। ये फ्रेंड्स हमको साइन के साथ ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने माइनस फाइव एक्स किया है इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है हमें प्लस फोर से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें मिल जाएगा फोर इंटू टू एक्स स्क्वायर, मीन्स फोर टू जाए एट एक्स स्क्वायर। इसको हम यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे वाले टर्म्स में लिखेंगे फ्रेंड्स, जिससे हमें आगे सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हो गया एट प्लस, हम लगा सकते हैं ऐसे, प्लस एट एक्स स्क्वायर, फोर इंटू थ्री एक्स करेंगे आएगा प्लस ट्वेल्व एक्स, फोर इंटू सेवन माइनस 28। इस तरह भी फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे भी फिर से हम वही लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय फोर। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो परफॉर्म करेंगे। ऐड करना होता हमें, इसलिए हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं सिक्स एक्स की पावर फोर, यहाँ पे माइनस 10 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का आएगा, एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस 21 माइनस 15 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 36, और 36 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें हमें मिल जाएगा 28, जो कि आएगा माइनस का 28 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 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 ही आएगा, 5 + 2 = 7, 3 + 1 = 4, 47 एक्स माइनस 28। ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे मीन्स ये जो आ गया, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन बाय ये पूरा टर्म हो गया। इस तरीके से भी फ्रेंड्स हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी दो तरीके हैं हमारे पास, चाहे हम ऐसे डायरेक्ट लिख के कर सकते हैं, या तो हम ऐसे एक फॉर्मल वे में भी लिख करके कर सकते हैं, कॉलम मेथड इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिख दिया ऐसे, हमने ऐड किए हैं ये तीनों टर्म्स, इसलिए ये आंसर हमें मिला है। यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं, दोनों ही मेथड करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व करते हैं। गिवन है फ्रेंड्स क्वेश्चन में 9x² - x + 15 × x² - x - 1, इसे भी फ्रेंड्स हम कॉलम मेथड से ही करेंगे सॉल्व। 9x² - x + 15 इंटू करेंगे x² - x - 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम लिख सकते हैं एक बार हम यहाँ लिख भी सकते हैं बाय कॉलम मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे 9x² - x + 15 का हमें मल्टीप्लाई करना है x² - x - 1 से, जिससे हमें मिल जाएगा सबसे पहले यहाँ पे 9x की पावर 4, नेक्स्ट -x³, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस 15x², यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन बाय सबसे पहले हमने x² से किया हुआ है, नेक्स्ट -x से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा -9x³ - -+x² + -15x। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन बाय -x, नेक्स्ट हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें यहाँ पे मिलेगा -9x² - -+x + -15। ये फ्रेंड्स हो गया पूरा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, लिख देंगे बाय -1। सो यहाँ पे आ जाएगा 9x की पावर 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में माइनस है, साइन माइनस का आएगा, बट दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 10x³ - 15x² + x² मीन 16x² में से 9 चला जाएगा, जिससे हमें मिल जाएगा 7x², यहाँ पे -15 + x हो जाएगा -14x, यहाँ पे बचेगा -15। ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये तीन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड आस्क एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th एंड क्लास 8th RS Agrawal बुक 2.